सिर्फ तेजी नहीं सच भी। नमस्कार, मैं हूं वासिल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। 26 जनवरी 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय खजाना कॉम्प्लेक्स आशियाना लखनऊ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज मोहन सिंह ने तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाकर लड्डुओं का वितरण किया। इस अवसर पर ब्रज मोहन सिंह ने कहा कि इस बार हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से हर साल हम गणतंत्र दिवस अपना मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन भारत को गणतंत्र भारत के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद भारत में लागू हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और भारत का अपना संविधान बना, जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्य, नियम और कानूनों का उल्लेख है और यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महान योगदान से ही संभव हो पाया। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। क्रांतिकारी वीर शहीदों ने ऐसा किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सके और भारत देश आगे बढ़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साथ ही यह भी कहा कि इस ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए। यह सिर्फ उनके कारण ही संभव हो पाया है कि हम अपने भारत में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इस अवसर पर आपको बताते चले कि मोहनी गुप्ता, सुमन लता, मनीष परिहार, अमित त्रिपाठी, राम लखन, बबली वर्मा, कमरुल हसन, पंकज वर्मा, उर्मिला भारती, मन्नू, अमित त्रिपाठी, सुभाष निषाद, सबीदा बानो, रहमत खान, राम कुमारी, नीरजा पांडे, जीशान खान, फरमान खान, अभिषेक शर्मा, सुशीला शर्मा, सपना सिंह, सुमन, राम लखन, राजा आलोक शुक्ला, एडवोकेट सर्वेश चंद्र वाजपेयी कुमार, हिमांशु, छोटेलाल शर्मा, लक्ष्मण पंडित, सुमन लता, रमेश यादव, अजय यादव, विजय राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। पंजाब सिंध गुजरात राठ ग्रामीण जगल हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलज तरंगा तब शुभ नाम भारत माता की।